बीसीसीआई ने तो कंफर्म कर दिया है कि 2022 के आईपीएल में दो नई टीमें आएंगी, लेकिन अगर दो नई टीमें आएंगी तो दो नए कप्तान भी हमें आईपीएल में दिखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं माई क्रिकेट प्रोडक्शन, और आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 10 दुनिया भर के खिलाड़ियों के नाम बताने वाला हूं जो कि दो नई टीमों की कप्तानी की रेस में, दावेदारी में सबसे आगे भाग रहे हैं। मतलब इन 10 में से कोई वो दो प्लेयर्स होंगे जो कि टू न्यू टीम्स, दो नई टीमों की कप्तानी करेंगे। दोस्तों सारे नाम बताऊंगा, डिटेल भी बताऊंगा, एंड तक वीडियो को जरूर देखें। हमने और हमारी टीम ने दोस्तों बहुत मेहनत की इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए, तो आप भी हमें एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं, छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं। अगर आप भी आईपीएल के फैन है तो यहाँ के नीचे से लाइक बटन को अभी हिट कीजिए, वीडियो को अभी लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहले खिलाड़ी जो कि इस लिस्ट में सबसे ऊपर जगह बनाते हैं और इनका नई टीमों का कप्तान बनना लगभग तय ही माना जा रहा है, वो है स्टीव स्मिथ। दिल्ली कैपिटल्स की टीम में इस समय स्टीव स्मिथ है, लेकिन हमें पता है कि वो रिलीज होने वाले हैं बिकॉज ऑफ मेगा ऑक्शन, और स्टीव स्मिथ को कप्तान ना बनाया जाए नई टीम का ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि आपके पास कोई बहुत ज्यादा विकल्प होंगे नहीं। स्टीव स्मिथ के कप्तानी आंकड़े भी बहुत अच्छे हैं जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो सारी चीजें इनके पक्ष में है। लेकिन दोस्तों जो अभी करंट 8 टीमें हैं ना, उनका मोहभंग हो गया स्टीव स्मिथ से, लेकिन जो दो नई टीमें आएंगी ना उनके पास विकल्प नहीं होंगे, और इसीलिए स्टीव स्मिथ का नाम इस लिस्ट में हमने नंबर 1 पर रखा है। पहले स्थान पर होंगे, दावेदार बनेंगे। दूसरे खिलाड़ी जो कि दावेदारी करेंगे कप्तानी की दो नई टीमों में, वो है भाई डेविड वॉर्नर। दोस्तों डेविड वॉर्नर का मोहभंग एसआरएच की टीम से हो गया है, क्योंकि हमने देखा कि किस तरह से उन्हें ह्यूमिलेट कर कप्तानी से हटाया गया, तो अब उनका भी टारगेट यही होगा कि मेगा ऑक्शन में जाए। अगर डेविड वॉर्नर जैसा खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में आता है तो बहुत बड़ी बड़ी बिडिंग लगेगी, मतलब ऐसा सपना होगा ये मेगा ऑक्शन में देखना इन्हें। लेकिन मेगा ऑक्शन में आते हैं तो दोनों टीमें इनके पीछे 100% जाने वाली है। भाई वॉर्नर जैसा आईपीएल विनिंग कैप्टन आपको कहाँ मिलेगा? अभी समय खराब है कप्तानी में, लेकिन भाई कहाँ मिलेगा, और इसीलिए ये दूसरे खिलाड़ी हैं। तीसरे खिलाड़ी जो कि इस लिस्ट में दौड़ में सबसे आगे भाग रहा है, वो है शिखर धवन। अब शिखर धवन भी रिलीज हो सकते हैं, क्योंकि दिल्ली की टीम हो सकता है यंग टैलेंट के पीछे चली जाए, और ऐसी स्थिति में धवन को आपको मेगा ऑक्शन में छोड़ना पड़ेगा। और अगर धवन जैसा खिलाड़ी मेगा ऑक्शन में आता है, जो कि भारतीय टीम का करंट कप्तान भी रहा है श्रीलंका में, और एक ब्रांड प्लेयर है, मतलब ये आएंगे ना तो 2-4 स्पॉन्सर्स को लेके आएंगे, तो कोई भी टीम इनके पीछे जाएगी, कोई भी टीम इन्हें कप्तान बना देंगे। तो तीसरे दावेदार हैं, इस समय दिल्ली की टीम में खेलते हैं, लेकिन बड़ी दावेदारी बड़ा पैट ये भी ठोक रहे हैं नई टीम की कप्तानी का। चौथे प्लेयर की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले भाई आपने जो बहुत सारे लोग लाइक नहीं कर रहे, जी हाँ 70% लोग ना लाइक कर रहे हैं ना सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो भाई आईपीएल के नाम सब्सक्राइब भी कीजिए। आईपीएल की चंद छोटी बड़ी सारी खबरें, छोटी से लेकर बड़ी, सुई से लेकर हवाई जहाज तक की दे देते हैं, तो सब्सक्राइब भी कीजिए, सपोर्ट थोड़ा हमें दिखाइए, कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। आगे बढ़ते हैं, चौथे खिलाड़ी जो इस लिस्ट में जगह बनाते हैं वो है दोस्तों डीकॉक। मुंबई इंडियंस की टीम जो रिटेन करने वाली है, हो सकता है डीकॉक को रिटेन ना करें, क्योंकि डीकॉक एक विदेशी प्लेयर है, मुंबई का दोस्तों सीधा गड़े थे, मुंबई भारतीयों के पीछे जाएगी, और अगर डीकॉक नीलामी में जाते हैं तो इन्हें साउथ अफ्रीका का रोहित शर्मा कहा जाता है। डीकॉक के साथ एक पॉजिटिव बात यह है कि साउथ अफ्रीका के करंट कप्तान भी रहे हैं, कई फॉर्मेट में है भी, तो ब्रांड भी लेकर आएंगे, स्पॉन्सर्स भी लेकर आएंगे, इनके कप्तानी के आंकड़े इंटरनेशनली भी कोई बहुत बुरे नहीं रहे हैं, तो डीकॉक डेफिनेटली चौथे वो नाम होंगे जो कि कह लेना ताल ठोक रहे हैं, बाजे बजा रहे होंगे नई टीम के कप्तान में। तो दोस्तों जो पांचवें प्लेयर है जिनका नाम हमने इस लिस्ट में रखा है, वो है एरन फिंच। एरन फिंच इस साल और पहले भी हमें 2-3 सालों से आईपीएल में बहुत डगमगाते हुए दिखे, इस साल तो खैर आईपीएल का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन है, तो इनकी दावेदारी बहुत बड़ी हो जाती है नई टीम के कप्तान के रूप में। हालांकि फिर वही सवाल है कि क्या आईपीएल आएंगे 2022 का खेलने के लिए, क्योंकि नीलामी का हिस्सा तो ये बने थे पर टीमें इन पर भरोसा जता नहीं रही है, तो ये भी सवाल रहेगा। लेकिन सीधी बात है, 100 बात की एक बात है, एरन फिंच कप्तानी कर सकते हैं, हालांकि आईपीएल के सफल कप्तान नहीं रहे हैं, वो जरूर टीमें देख रही होंगी। दोस्तों छठवें प्लेयर जो कि कप्तानी की दावेदारी कर रहे हैं इस पूरी लिस्ट में, हमने रखा है ग्लेन मैक्सवेल को। ग्लेन मैक्सवेल नीलामी का हिस्सा बनने वाले हैं, आरसीबी उन्हें रिटेन नहीं कर रही है जो रिपोर्ट्स है, और ऐसी स्थिति में ग्लेन मैक्सवेल भी कप्तानी की दावेदारी करेंगे। बड़ी बात यह नहीं है कि वो करेंगे या नहीं, बड़ी बात यह है कि विकल्प नहीं है टीमों, जो दो नई टीमें आएंगी दोस्तों उनके पास बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं रहने वाला है कि अच्छे अच्छे उन्हें इंडियन कैप्टन मिल जाए, उन्हें जाना पड़ेगा विदेशियों के पीछे, और मैक्सवेल जैसा अनुभवी खिलाड़ी अगर आपको मिल रहा है तो कोई भी छोड़ेगा नहीं। एंड दैट इज व्हाई आरसीबी में जो इस समय मैक्सवेल है वो भी इस समय छठवें खिलाड़ी, छठवें नंबर पर हमें रखा है, रई टीम की कप्तानी की बड़े दावेदारी कर रहे हैं। सातवें खिलाड़ी जिनको हमने रखा है वो है ओयन मॉर्गन।
इस समय केकेआर के कप्तान है, लेकिन केकेआर अपने आप को रीबिल्ड करने वाली है और इस रीबिल्डिंग की प्रोसेस में वेन मॉर्गन का नाम नहीं है, इस रीबिल्डिंग की प्रोसेस में भारतीय खिलाड़ियों का नाम रहेगा। वेन मॉर्गन की कप्तानी ने फ्रैंकली टोल उतना इंप्रेस भी नहीं किया है केकेआर के मैनेजमेंट को, तो इनका बाहर जाना तय है। हालांकि इंटरनेशनली इनके कप्तानी के रिकॉर्ड अच्छे हैं, पर आईपीएल के रिकॉर्ड इनके भी खराब है। वेन मॉर्गन ने आईपीएल में कप्तानी का कहीं भी आईपीएल में इन्होंने कुछ उखाड़ा ही नहीं है और यही इनकी सबसे कमजोर बात है। इस समय केकेआर की टीम कहता है पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि नई टीमें इनके पीछे जाए क्योंकि वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है। लेकिन फिर वही बात हो जाती है दोस्तों कि 2022 का आईपीएल भारत में खेला जाएगा मोस्टली, एंड बड़ी चीज ये है कि अगर मॉर्गन जैसा खिलाड़ी जो कि भारत में सफल नहीं रहा है क्या आपको सफलता दिला पाएगा, इस पर सभी को संशय जरूर रहेगा। 8वें नंबर पर दोस्तों इस पूरी लिस्ट में हमने रखा है जॉस बटलर को। दोस्तों जॉस बटलर इस लिस्ट में इसलिए जगह बना देते हैं क्योंकि राजस्थान रॉयल्स अगर रिटेन नहीं करते हैं तो फिर तो हॉट पिक हो जाएंगे, लेकिन अगर राजस्थान रिटेन कर लेती है तो फिर बात ही नहीं। अगर नहीं रिटेन होते हैं फिर जॉस बटलर हॉट पिक होंगे और ये दो नई टीमें पीछे पड़ जाएंगी कि भाई हमें तो बटलर चाहिए एज ए कैप्टन। हालांकि जॉस बटलर की कप्तानी के ऐसे आंकड़े हमें आते हुए दिखे नहीं है, लेकिन जॉस बटलर को एज ए ब्रांड प्लेयर हम ले सकते हैं क्योंकि बटलर जिस टीम में रहेंगे ना उस टीम को एक अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू मिल जाएगी, अच्छे खासे स्पॉन्सर्स मिल जाएंगे, तो इसीलिए 8वें नंबर पर इन्हें रखा है। 9वें नंबर पर दोस्तों हमने रखा है अजिंक्य रहाणे को। अजिंक्य रहाणे T20 क्रिकेट थोड़ा सा दूर का वास्ता रखता है लेकिन भारतीय टीम की टेस्ट मैचों में अच्छी खासी कप्तानी की है। सबसे बड़ी चीज है इंडियन प्लेयर है, अगर इंडियन प्लेयर है नीलामी में आते जो कि आने भी वाले हैं तो फिर बिडिंग भी बड़ी होगी और एज ए कैप्टन भी प्रोजेक्ट होंगे क्योंकि भारत की सरजमी को इनसे बेहतर कोई पढ़ नहीं सकता है। कप्तानी आंकड़े डोमेस्टिक क्रिकेट में ही कुछ की है, ज्यादा कप्तानी इन्होंने की नहीं तो कप्तानी का ऐसा कोई अनुभव नहीं है, लेकिन फिर वही बात है भाई इंडिया का नाम होता है इंडियन प्लेयर होता है ना तो टीमें मतलब कुछ सोचती नहीं है ज्यादा, भले ही चले खिलाड़ी या ना चले, इसलिए 9वें नंबर पर है। और 10वें नंबर पर शाकिब अल हसन है, इंटरनेशनली एक अच्छे कप्तान रहे, बांग्लादेश की टीम की कप्तानी कर रहे हैं, समय केकेआर की टीम का हिस्सा है, इनके साथ अवेलेबिलिटी का सवाल है कि क्या ये उपलब्ध होंगे या नहीं, लेकिन फिर वही बात है विकल्प नहीं है इसीलिए अल हसन का नाम भी है। हालांकि बांग्लादेश की लंबी कप्तानी इन्होंने की। ये तो थे दोस्तों जो 10 खिलाड़ी जो कि दो नई टीमों की कप्तानी की बड़े दावेदारी कर रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप भी बताइए आपके हिसाब से कौन होगा दो नई टीमों का नया कप्तान। YouTube ने कमेंट बॉक्स आपके लिए दिया है, कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।